A substance X, write down. A substance X turns red litmus blue. A substance X turns red litmus blue. It will change methyl orange too. अगर कोई सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू कर रही है तो वो मिथाइल ऑरेंज को किसमें चेंज करेगी? येलो रेड पिंक कलरलेस. हाँ जी आंसर. अ सब्सटेंस एक्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू विच कलर? थिंक एंड गिव मी द आंसर. रुक जा, तसल्ली रख लो बेटा. अ सब्सटेंस एक्स टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. इट विल चेंज मिथाइल ऑरेंज टू येलो रेड पिंक और कलरलेस. येलो. येलो विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. An aqua solution A turns phenolphthalein solution pink. कहते हैं A का aqua solution लिया है मैंने, उसने phenolphthalein को किसमें चेंज कर दिया है? पिंक में. On addition of an aqua solution B to A, फिर जब मैंने B add किया A में, the pink color disappears. Okay, तो वो pink color जो था वो disappear हो गया. Which of the following statement is true for both A and B? अब आपने इसमें से बताना है कि और A और B में से कौन से statement जो है A और B के लिए कौन से statement right है. A is strongly basic and B is weak base. The first is कह रहे हैं ए जो है इट इज अ स्ट्रॉन्गली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस. पहले मुझे ये बताओ ए क्या होगा? ए विल बी सम बेस एंड बी विल बी सम एसिड एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर. ओके नेक्स्ट. A is strongly acidic and B is weak acid. A is strongly acid. And B is also an acid. Coming to the third. A has pH greater than 7. A has pH greater than 7. And B has pH less than 7. Fourth, A has pH less than 7. And B has pH greater than 7. Third option, why third? जो A है वो base है तो उसकी pH जो है वो 7 से ज्यादा होगी, ठीक है? और जो B है वो acid है तो उसकी pH जो है वो 7 से कम होगी. Okay, so C is your correct answer. Write down the next bit of. Which of the following can be used as an acid-base indicator? Which of the following can be used as an acid-base indicator? By a visually impaired student. Which of the following options क्या है? पता तेरे को? Which of the following can be used as an acid base indicator by the visually impaired student? Visually impaired means you can't see. So your options are litmus, turmeric, petunia leaves, and vanilla essence. Vanilla essence. Smelling that. ठीक है? तो अगर कोई विजुअल चेंज नहीं देख सकते हैं देन दे कैन स्मेल द चेंजेस. ओके, तो जो स्मेल है आपको पता चल जाएगा, जैसे अनियन और जो वेनिला एसेंस है दे आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, विच चेंज देयर स्मेल.
Write down the next one. Which of the following statement is incorrect? Which of the given statement is incorrect? आपने इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इज दिस करेक्ट? एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, राइट. बी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एसिड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. The fourth is none of above. The fourth option is none of the above. आपका कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी. वॉट इज योर आंसर? ए बी सी डी. आई एम आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कोई भी नहीं है तो फिर फाइनली मैंने फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है? नन. तो क्या आंसर है फिर? नन ऑफ द अबव. नॉर्मली सारे कटते ही हैं मेटल्स, इसमें कौन सा एक्सेप्शन उन्होंने कुछ लिखी है? पार्शली नहीं हम कह सकते क्योंकि यहाँ पे पार्शली का कोई रीजन नहीं गिवन है आपको. नॉर्मली सारे कर जाते हैं. हाँ सर्टेन लिखा हुआ है बेटा, रीजन लिखा हुआ है. एसिड रिएक्शन विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस. इसमें से आपने बताना है कौन सा बेस नहीं है. You have to tell which of the following is not a base. Just raise your hands, beta. ठीक है? हाँ जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस. लास्ट डेक्स स्टैंड अप, इधर चलो. इसका नाम अर्पित है, क्या नाम है? इसके पीछे बैठ. एक जोत लास्ट डेक्स बेटा, इसके पीछे बैठने को आया मैं. फिर ये वाला डेक्स है मेरे पास, ये वाला इधर का है लास्ट डेक्स. हाँ जी एक जो आंसर बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस. जल्दी डी. क्यों? Why D? Tripti? D? अच्छा कीर्ति. दिलप्रीत.
आंसर, फर्स्ट ऑप्शन NH4OH, अर्शीन, इट विल बी द लास्ट ऑप्शन, राइट? सो द आंसर इज CH3 CH2 OH, बिकॉज दिस इज एन एल्कोहल. बैठिए, दैट इज एन एल्कोहल. आपने एक एक्टिविटी की थी ग्लूकोज एल्कोहल वाली, की थी ना, जिसमें हम देखते थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम. तो उसमें आपको बताया गया था, डैडी वी हैव टू डन दिस एक्टिविटी, व्हाट वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी विद एसिड बेस ग्लूकोज एंड एल्कोहल. तो दिस इज एन एल्कोहल. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH, ऐसे भी लिखा हो सकता था ये, ठीक है? ये भी लिखा तो भी अल्कोहल ही है. दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कौन सा रीजन ही वेरीफाइड हुआ बेटा? एक्टिविटी नहीं की हमने, चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन. रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, इसका रीजन क्लियर हुआ है कि नहीं आपको? क्योंकि अल्कोहल में एच पॉजिटिव आइंस फ्री नहीं रिलीज होंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और वैसे भी ये अल्कोहल है, इट इज नॉट अ बेस, ठीक है? ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए ये बेसिक में नहीं जाते. राइट डाउन नेक्स्ट. जिंक, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डैश इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस. किसकी रिएक्शन करेंगे हम जिंक के साथ? तो वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, दैट बॉन्ड्स विद विच साउंड? फॉक्सा. सो योर ऑप्शंस आर HNO3, HCl, CH3COOH, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक? HCl और जिंक के साथ सबकी रिएक्शंस हो जाती हैं. जिंक के साथ सबकी रिएक्शंस हो जाती हैं कि नहीं? आई एम आस्किंग यू, हो जाती है कि नहीं होती है? हो ही जाती है. वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, इट विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ वो हाइड्रोजन गैस देखता है, बाकियों के साथ नहीं देखता है. So that means your option is HNO3, कि नहीं? HCl देता है. HCl तो देगा ही, which burns, okay. HCl भी देगा, HNO3 भी देगा. यहाँ पर HNO3 की एक्सेप्शन है, ये नहीं होना चाहिए था ऑप्शन में. यहाँ पे H2SO4 कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है. अगर आप अकेला वो पूछ रहे हैं कि किसके साथ दे रहा है, तो दे रहा है HCl के साथ भी देगा, ये भी एसिड है, दिस इज ऑल्सो एसिटिक एसिड, इसके साथ भी देगा, तो माइट बी ए क्वेश्चन रॉन्ग है उसमें. HNO3 के साथ नहीं देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो इट विल नॉट बी इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, बट इट विल बी कन्वर्टिंग दैट हाइड्रोजन टू वाटर, ठीक है? तो HNO3 ऑप्शन में नहीं है, H2SO4, HCl एंड एसिटिक एसिड में, तीनों एसिड है, तीनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी? नेक्स्ट राइट डाउन. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड टू एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू अबाउट दैट गैस?
ठीक है, आपने इसमें से बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं उस गैस के रिलेटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस, यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैट गैस। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यस नो? द गैस इज, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, फायर एक्सटिंग्विशर। सो दिस इज ऑल्सो यस। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, यस नो? करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनएचमें डिसॉल्व? नो, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर। नो, क्योंकि ये कौन सी होती है? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ऐसे होती है ना, जैसा आप कोल्ड कोक की बॉटल खोलते तो कैसी आवाज आती है, एकदम से ऐसे करके आती है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ओके, सो योर ऑप्शंस आर 1, 2, योर ऑप्शंस आर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 एंड 1 एंड 4। ठीक है जी, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर, और कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ऑर्डर और कोई स्मेल नहीं होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट रिएक्ट विद मेटल? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और ऑल? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद मेटल्स? All, sulfuric acid, carbonic acid, phosphoric acid and all. Why carbonic acid? That is very weak acid. बहुत ज्यादा weak acid है, ठीक है? Carbonic acid का क्या formula होता है? H2CO3 and that is very very weak acid. ठीक है, तो वो जल्दी react नहीं करेगा। H3PO4 मतलब रिएक्शन जो है बाकियों के कंपैरेटिव अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा स्लो होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी। क्या तो फिर क्या ऑप्शन देना है आपने? अगर हम बाकियों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो फिर यही ऑप्शन बन रहा है, एंड देयर विल बी क्वेश्चन वेयर यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक पर्टिकुलर आंसर ही मिलेगा। नेक्स्ट राइट डाउन, ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लाइम वाटर, ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर, इट इज ऑब्जर्व, what you will observe? White precipitate will be default, kya hota hai? Acha, dissolve in water. Okay, write down the options. Lime solution changes to gaseous state, the lime solution hai wo gaseous state mein change ho jayega. On prolonged supply of carbon dioxide in lime water, it is observed
The lime solution changes to gaseous state. This is the first option. Milkiness of lime water disappears. Second option, milkiness of lime water disappears. Color of lime water changes to black. Milkiness of lime water changes from white to red. ऑप्शन इज बी. पढ़ा हुआ ना आपके, जब हम प्रोलॉन्ग उसको एक्सपोज करेंगे तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी. ओके, सो योर आंसर इज बी, द मिल्कीनेस ऑफ द लाइम वाटर इट विल डिसअपियर. सो नेक्स्ट राइट डाउन. So there is one reaction you have to give the incomplete reaction. So CuO plus X, it gives CuSO4 plus water. What can be the X here? What can be the X here? Right. Give the correct increasing order of acidic strength. Give the correct order of acidic strength. Water, acetic acid, HCl. Water, HCl, acetic acid. HCl, water, acetic acid, acetic acid, water and HCl. You have to tell which is the correct increasing order of acidic strength. Increasing order कौन सा होता है? First, tell me what is increasing order. Where we start from? Small to high value. ठीक है, इसमें से कौन सी ज्यादा बेटा, सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम वाटर की होगी. वाटर की पीएच कितनी है? यानी कि वाटर न्यूट्रल है. अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आप सबसे पहले देखोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है. सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी होगी उतनी कम उसकी पीएच की वैल्यू होगी. एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बेटा? HCl की. ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट वन, वाटर की ज्यादा है. ठीक है, देन एसिटिक एसिड, देन HCl. ठीक है, नहीं दैट इज नॉट द फर्स्ट, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो इंक्रीजिंग में सबसे कम किसकी है? सबसे कम किसकी है एसिडिक स्ट्रेंथ? सबसे कम किसकी होगी? वाटर की. फिर तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मैंने दो ऑप्शन सेम तो नहीं लिख दिए? एक मिनट मुझे चेक करने दो, मुझे यहाँ चेक करने दो, साइन तो नहीं गलत है? पहले वाले की साइन गलत है, सेकंड वाला इज करेक्ट. हाइड्रोक्लोरिक वाटर एंड एसिटिक एसिड, देन इज, हाँ
अब बताओ कौन सा बेटा? द फर्स्ट वन, ठीक है, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, उसके साइन ऑपोजिट थे। कमिंग टू द नेक्स्ट इज, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की है, दैट इज न्यूट्रल। फिर उसके बाद है एसिटिक एसिड, दैट इज एक्चुअली अ वीक एसिड, देन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट राइट डाउन असर्शन रीजन लिखो। असर्शन इज अमोनिया सॉल्यूशन इज एन एल्कली, अमोनिया सॉल्यूशन इज एन एल्कली, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? अमोनिया सॉल्यूशन इज एन एल्कली, अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्यों रीजन गलत है? एल्कली है तो वो क्या करेगा? इट विल टर्न रेड टू ब्लू करेगा, बट आपको क्या गिवन है? ब्लू टू रेड। सो व्हाट कैन बी योर आंसर? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? सी। ठीक है, अगर हम हर बारी सी को ट्रीट करते हैं, ए एज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज, क्लोव ऑयल इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। Clove oil is an olfactory indicator. Reason लिखिए। Clove oil पता क्या होता है? लौंग का तेल, ठीक है? Reason लिखिए। Smell of clove can be characterized in acidic medium. Reason is smell of clove can be characterized in the acidic medium. But it can't be recognized in the basic medium. Smell of clove, it can be characterized in the acidic medium, but not for the basic medium. Now tell me the answer. Second is false. First is false. Explanation is not correct. दे तो दी उन्होंने acidic और basic दोनों का बता दिया आपको। दोनों करेक्ट ही हैं। एसिडिक में आपको पता चल जाएगी देयर विल बी चेंज इन स्मेल, बेसिक में स्मेल इंटैक्ट रहेगी, ठीक है? सो बोथ एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट एंड ए एंड आर इज आल्सो करेक्ट। योर आंसर इज ए, असर्शन एंड रीजन दे आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन। Weak acids have low electrical conductivity. Weak acids have low electrical conductivity. Write down the reason. Strong acids and weak acids have equal concentration of hydrogen ions. Weak acids have low electrical conductivity. Strong acids and weak acids have equal concentration of hydrogen ions in their solution. You have to tell the correct option. Assertion is true. Assertion में हम कह रहे हैं कि जो weak acids हैं उनकी electrical conductivity कम होती है, होती है? Yes. रीजन में हम ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है दोनों में सेम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि हम पहले ही वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट देयर डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसोसिएशन ज्यादा होती है और वीक एसिड में डिसोसिएशन कम होती है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, वेयर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। राइट ऑन द नेक्स्ट वन।
study rest we will do tomorrow.